अब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा या डेरिवेटिव्स के बारे में बताऊंगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कोई बताएगा? दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, एनीवन? यहां से कोई? बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट? हाँ, ओके, एनीवन? और कम ऑन यार, यू कैन ट्राई, रियल एस्टेट। सर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है हेल्थ, कोई रियल एस्टेट विस्टेट कुछ नहीं, हेल्थ है तो वेल्थ है, आप समझ रहे? मैं दिल्ली के ऐसे चांदनी चौक के करोड़पति लोगों से आपको मिला दूंगा जिनके पास बहुत सारी रियल एस्टेट है, लेकिन उनको गवर्नमेंट के अंकल समोसे खाओगे क्या? वो कहेंगे बेटा आप पछता नहीं, तेरे को समोसा नहीं पछता, तेरे को जलेबी नहीं पछता, तेरे को चाय पीठी नहीं पछती, तू करने क्या है? तूने रियल एस्टेट खरीदा काय को? आप समझ रहे? और रियली वो खुद भी बोलेगा कि बेटा खामा खामा इतना पैसा जमा किया, एंजॉय तो कहीं नहीं कर। मैंने कई ऐसे रियल एस्टेट वाले देखे हैं जिनको ये कह लो कि जरा हरिद्वार में कि चलो भाई साहब घूमने के लिए, नहीं आ पाएंगे। क्यों? हेल्थ ज्यादा के साथ। दूसरा बड़ा, ये जो पीपीटी है ये प्लीज ये राइट डाउन, राइट भी करके ले जा सकते हो और फोटो भी खींच के जा सकते हो, क्योंकि आपको जो बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे ना, ये जो फाइनेंशियल लिटरेट करने वाले मिलेंगे, वो फाइनेंशियल लिटरेट से नहीं चलाते एक्चुअली, वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं, तो ऐसी बातें तो पता ही है, वो सीधा आएंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए। हमारा तो यहाँ पर प्रोडक्ट है ही, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी का वो है, उसका भी एक मोटिव है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन दूसरा होता है फैमिली रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हेल्थ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूं आपको। आप अच्छा चावल खाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आज से तो आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आप जो अच्छी खाने पीने की चीजें घर पे लेके जाएंगे तो आपकी वाइफ बोलेगी इतना महंगा क्यों लेके आए, तो आप बोलेंगे संजय नोटे ने बोला इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट अभी तो पता नहीं चलेगी, लेकिन कब पता चलेगी? तो आप बात समझना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, अच्छी आदतों को डालना, ड्रिंक ना करना लेकिन, अच्छा एक बार रोल किया तो वो भी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। फैमिली रिलेशनशिप सेकेंड इन्वेस्टमेंट, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये मैं बता रहा हूं कि अगर लाइफ में किसी भी एक रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ चल रही हो, दोस्तों आप किसी को प्रोफेशन नहीं सकते, हमारे लाइफ में आई एग्रीबिलिटी, अगर पापा के साथ बनते नहीं है, किसी कारणवश पापा के साथ नहीं बनती है, मैं गारंटी देता हूं आप प्रोफेशन में हैंडल नहीं कर पाएंगे अपने आप। माँ के साथ नहीं बन रही है, और शादीशुदा लोगों की अगर बीवी के साथ नहीं बन रही है, तो साहब आपके तो फिर तो बैड हो चुकी है, क्योंकि फिर तो आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, प्रोफेशनल रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, और लाइफ तो है ना, तो इन्वेस्टमेंट ऑन रिलेशनशिप, रिश्ते निभाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? राइट? एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट ना करो तो मैं शायद यहां नहीं होता। ऑफ कोर्स द नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर, जिसके पास आज नॉलेज है अनलिमिटेड कमा सकते हैं, अनलिमिटेड नॉलेज को कैसे यूज करना है वो समझ, ठीक है सर? तो ये तीन बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये प्लीज आज लेके लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने सुन ही रखा है, जैसे बैंक एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, ईटीएफ और रियल एस्टेट्स, ये बाकी डेरिवेटिव्स हैं, बाकी टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को हैप्पी बनाएंगे।